press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो गाइस ये है यूनिवर्सल फ्लिप लेंस का बॉक्स. यहाँ पर आप देख सकते हैं फिशाई लेंस, वाइड लेंस और मैक्रो लेंस यहाँ पे पहले से छपे हुए हैं और काफ़ी सिंपल सा बॉक्स है. अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक कवर मिलता है इन लेंसेज के लिए. काफ़ी अच्छा कवर है, इसमें आप जो है सारे लेंसेज रख सकते हैं अपने और आप उनको सिक्योर कर सकते हैं. साथ ही साथ आपको यहाँ पे लेंस के क्लिप्स भी मिलते हैं जिससे कि लेंस आपका सिक्योर रहेगा. ये है आपका फिशाई लेंस. इन लेंसेज पे लिखा भी हुआ है कि कौन सा है. जैसे कि अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लिखा है फिशाई लेंस 180 डिग्री. साथ ही साथ यहाँ पे आपको दूसरे लेंस भी दिख ही रहेंगे. ये है हमारा मैक्रो लेंस, ये वाला मैक्रो लेंस और ये वाला हमारा वाइड. जो ये दोनों, अगर आपको वाइड लेंस यूज़ करना है तो आपको उसको मैक्रो के ऊपर लगा के यूज़ करना होगा, नहीं तो वो आपका वर्क नहीं करेगा. तो अब चलते हैं इनकी वर्किंग पर. मैं तीनों को दिखाऊंगा, तीनों कैसे दिख रहे हैं वर्किंग पे जब हम इनको यूज़ करेंगे. तो आइए चलते हैं. तो गाइस सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा वाइड एंगल लेंस. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हैं ये अभी इस फ्रेम में पूरी नहीं आ रही है, लेकिन अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ वाइड लेंस. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों चीज़ें हमारी पूरी विजिबल हैं, लेकिन ये लेंस उतना अच्छा नहीं है जितना कि बाकी दो लेंसेज हैं. आपको जैसे कि आप पहले दिख ही रहा होगा कि तीनों चीज़ें फ्रेम में पूरी नहीं आ रही थी, लेकिन वाइड एंगल लेंस लगाने के बाद तीनों चीज़ें पूरी फ्रेम में आ रही हैं. तो साथ ही साथ आप यहाँ पे चारों तरफ फ्रेम के एक ब्लर टाइप दिख रहा होगा, साइड में कॉर्नर्स पे वहाँ पे विजिबल नहीं होगा आपको कुछ भी. तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इन सारे लेंसेज की. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक दोबारा दिखा देता हूँ एक बार आपको. यहाँ पे देखिए तीनों अभी आउट ऑफ फ्रेम है और यहाँ पे तीनों फ्रेम में आ गई है. अब चलते हैं दूसरे लेंस की तरफ. गाइस हमारा अगला जो लेंस है वो है फिश आई लेंस. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी जो हमारा फ्रेम है वो कैसा लग रहा है. अब मैं फ़िश आई लेंस लगाने वाला हूँ. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ़िश आई लेंस है वो अच्छी तरह वर्क कर रहा है. आप साइड में देख सकते हैं एक ऐसा बाउल दिख रहा होगा फिश आई की तरह, ये बिल्कुल वैसे ही वर्क कर रहा है. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फिश आई जो लेंस है वो काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है एज़ कम्पेयर टू वाइड लेंस. और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छा जो लेंस होता है इन यूनिवर्सल क्लिप लेंसेज में वो होता है मैक्रो लेंस. और मैं जो यहाँ पे डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ वो है Redmi Note 3. तो अब मैं आपको मैक्रो लेंस के भी कुछ दिखा देता हूँ व्यू करके कि वो कैसा लगता है, उसकी वर्किंग कैसी है और कैसा आपको देखने को मिलेगा जब आप यूज़ करेंगे मैक्रो लेंस. हाँ तो गाइज अगला जो हमारा लेंस है वो है मैक्रो लेंस, जो कि यूनिवर्सल क्लिप लेंसेज में सबसे बेस्ट होता है. और मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के एंड में मैं कुछ मैक्रो शॉट्स भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने कैप्चर किए हैं इस लेंस को यूज़ करके. और अगर आपको भी ये लेंसेज ऑर्डर करने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. मैंने ये कॉम्बो लिया था 300 रुपीज़ का, जिसमें था यूनिवर्सल क्लिप लेंसेज, एक सेल्फी स्टिक और साथ ही साथ एक USB OTG जो है वो आई थी इस कॉम्बो में. तो चलिए अब मैं दिखा दूँ मैक्रो लेंस. आप यहाँ पे देख लीजिए फ्रेम जो है, और अब मैं मैक्रो लेंस लगा देता हूँ. मैक्रो लेंस लगाने के बाद आपको जो है फ्रेम ब्लर दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो है मैक्रो लेंस वो यूज़ होता है काफ़ी पास की चीज़ें, काफ़ी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको
बड़ा करके देखने में और क्लियर देखने में। अब देखिए काफ़ी, अब मैं इस लेंस पर फोकस करने वाला हूँ काफ़ी पास जाकर, और यहाँ पर आप क्लैरिटी देख सकते हैं कितनी अच्छी क्लैरिटी है इस लेंस की। ये लेंस जो है फिशाई लेंस है जो रखा हुआ है, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है मैक्रो लेंस। आप यहाँ पर क्लैरिटी देख सकते हैं और कितने पास जाकर मैं जो है कैप्चर कर सकता हूँ काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ और लेंस है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक और लेंस, और इसमें भी आप देख सकते हैं कितना जो है। अब मैं इसको थोड़ा लाइट में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कि कितनी अच्छी क्लैरिटी आ रही है, और कितने पास जाकर मैं जो है वो कोई भी पिक क्लिक कर सकता हूँ किसी भी छोटी चीज़ की। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्क्रू, ये देखिए यहाँ पर स्क्रू, आप देख सकते हैं फ्रेम में कि कितना छोटा स्क्रू है, और यहाँ पर मैं कितने इजीली इसको काफ़ी बड़ा करके देख सकता हूँ मैक्रो लेंस के थ्रू। अब मैं आपको मैक्रो लेंस हटा कर दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा, और ये देखिए कितना छोटा सा स्क्रू है, और मैक्रो लेंस लगाने के बाद ये काफ़ी अच्छा दिखता है, ये देखिए। और क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है इस मैक्रो लेंस की, मैं अब आपको बता दूं काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स मैंने क्लिक किए हैं, जो कि अब मैं आपको थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखते रहिए। ये देखिए मैं कितनी भी पास की काफ़ी काफ़ी छोटी चीज़ें जो है कैप्चर कर सकता हूँ। तो गाइस ये तीनों लेंस जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, और मैं आपको बता दूं सबसे अच्छा जो बेस्ट जो लेंस है इसमें वो है मैक्रो लेंस, और आपको कोई भी इशू नहीं आएगा काफ़ी छोटी चीज़ें क्लिक करने में। तो अगर आपको भी शॉर्ट्स देखने हैं कुछ मैक्रो के, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ मैक्रो लेंस के शॉर्ट्स।